Hey guys, welcome back to another vlog, another exciting vlog, दिवाली डेकोरेशन. तो कल है दिवाली और आज मैं डेकोरेट कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था और आज ही हम लोग सब कुछ करेंगे जो भी है. तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सब कुछ ला के रख दिया है और यहाँ पे जो छोटू सा है जो लक्ष्मी पूजा के दिन मैंने यूज़ किया था वो मेरे इस डोर में मैं इसको लगाऊंगी थोड़ा सा फेस्टिव लुक देने के लिए, दैट्स इट. और इसको मैंने कोई भी हुक पुट नहीं किया है, सिर्फ जो कर्टन्स का जो रॉड है उसी में मैंने इसको सेट कर दिया है, बट बीच का क्या करेंगे. तो इस वीडियो को मैं बहुत ही छोटू मोटू सा बनाऊंगी, क्या क्या मैं कर रही हूँ, कैसे कैसे डेकोरेशन कर रही हूँ, सिर्फ वैसे आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही छोटू सा बनाऊंगी. और मैं पसीना पसीना हो रही हूँ क्योंकि आज 14 दिया जलाया जाता है और भी बहुत थोड़ा बहुत रिचुअल्स था तो वो सब मैंने कंप्लीट करके यहाँ पे आई हूँ. तो अभी पसीना पसीना हो रही हूँ ठंडी के मौसम में भी, बट अभी ये सब करते हैं चलिए. बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बहुत. और हाँ, मेरा वैक्सीन भी कम्प्लीट हो गया है, मैं आज सेकेंड डोज लेके आ गई हूँ तो आई एम वैक्सीनेटेड. तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसे सेट कर दिया है, हम लोगों ने कोई पिन वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है और डबल टेप का जो पिन है ना वो ज़्यादातर टिकता नहीं है और रात पे ही मतलब निकल के आ जाता है, इसलिए हम लोग ने ये यूज़ नहीं किया है. बाकी हम लोगों के दरवाजे में बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने कर दिया है और मुझे अच्छा लग रहा है. इन्होंने थोड़ा सा गोलमाल किया है, वो ठीक कर दो ज़रा. इधर से नहीं आ रहा है, सेलो टेप लगाने से हो जाएगा ना. हाँ, तो इसको हम सेलो टेप लगा देंगे तो फिर हो जाएगा. तो इसको थोड़ा बाद में फिनिशिंग देते हैं, अभी जाते हैं बाकी का प्रोसेस करते हैं चलिए. पहले दरवाजा कर लेते हैं फिर इसको सेट. तो देखिए, मैंने मेन डोर में जो मेन वाला जो मेरा तुरंत था वो मैंने सेट कर दिया है. हैं ওই তাহলে প্রত্যেকটাতে লাগাতে হবে. तो ये हम लोगों का दरवाजा से थोड़ा सा छोटा हो रहा है बट देखने में अच्छा लग रहा है. ये देखिए, looks beautiful.
कंप्लीट। कितना अच्छा लग रहा है, मेरा दो चेन बच गया है और यहाँ पे वहां पे एक रेड कलर की, तो तीन मैंने और नहीं लगाया है, तो यही अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, सच्ची में। अब दिखाओ ना थोड़ा। अच्छा, मैं दिखाती हूँ। ओके, कुछ ऐसे करके। लुकिंग सो प्रिटी। तो मैं एक यहाँ पे कैंडल होल्डर प्लेस कर रही हूँ, तो आज मैं नहीं जलाऊंगी, कल जलाऊंगी मैं, बट इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। और पानी का बॉटल को मैं नीचे रख दे रही हूँ ताकि अच्छा दिखे। पौधे को थोड़ा पीछे कर दो और अच्छा दिखेगा। हाँ, ये ठीक है। ओके। और एक करूंगी मैं बेड साइड टेबल में थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे, और एक रखूंगी मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने। अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये रहा हमारा घर, बाहर से बहुत प्यारा लग रहा है। व्हाइट बिल्डिंग है, उसमें पिंक टाइप का कलर से सजाया हुआ है, जो देखकर बिल्डिंग ही पिंक लग रहा है। तो यही था मेरा छोटू मोटू सा दिवाली का डेकोरेशन। मेरे घर में जो लाइटिंग हुआ है वो भी आप लोगों को दिखाया है, आज ही हुआ है। और आज जो फ्लावर के साथ मैंने किया है, इतुसाई किया है, तो बेडशीट मैं कल चेंज करूंगी, बेडशीट आज चेंज नहीं करूंगी, ये बेडशीट मैं कल चेंज कर दूंगी। और यहाँ पे माँ है, मम्मी है, और तो कैंडल होल्डर लगा दिया है, फ्लावर डेकोरेशन कर दिया है, और लाइटिंग का भी काम हो गया है। तो दिवाली के लिए फुल सेट हूँ मैं, कल के लिए फुल सॉर्टेड हूँ। और मैं अभी होंगी थोड़ा सा रेडी, और मम्मी को लेके थोड़ा बाहर जाएंगे। पापा ऑलरेडी बाहर चले गए हैं, यहाँ पे पापा पहले यहाँ पे काम करते थे, मतलब पापा का ट्रांसफ़र हुआ था जलपाईगुड़ी में, शादी से भी पहले, पापा की शादी से भी पहले। तो पापा का यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पापा सुबह भी गए थे फ्रेंड के साथ मिलने, फ्रेंड के पास गए थे, और अभी भी गए हैं। तो मैं मम्मी को लेके उनके साथ थोड़ा बाहर घूम के आऊंगी। आज तो पूजा वगैरह ज्यादा नहीं होगा, बट जितना भी लाइटिंग वगैरह होगा और कहीं पे भी जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और मैं सिर्फ रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं हो गई हूँ थोड़ा सा रेडी, और मैंने डाली है ये कुर्ती, ये जो मेरी बर्थडे के टाइम में मैंने लिया था। तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा लिपस्टिक, और मेरा फेस बहुत ही टायरिंग दिख रहा है, क्योंकि हाँ सुबह से लेके अभी तक चल ही रहा है, एक के बाद एक के बाद एक, इसीलिए कुछ ऐसा लग रहा है। और थोड़ा तबीयत ठीक भी नहीं है, थोड़ा सा ओल्ड हुआ है मुझे, तो इसीलिए तो जाते हैं। मास्क ले लिया है मैंने, और ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड, राइट, कितना अच्छा लग रहा है। घर में पूरा फेस्टिव लुक आ गया है, तो हम लोगों के घर में भी लाइट लग गया है और अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा कम पड़ गया था क्योंकि लास्ट मोमेंट में हुआ था, तो कल फिर से लाएंगे और फिर से बाकी का जो पोर्शन है, बाकी का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे सभी घरों में लगाया गया है। कुछ अच्छो, और हर जगह सज गया है बहुत अच्छे से, हर घर सज गया है, कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी ने चादर डाल लिया है क्योंकि ठंड है। चप पीछे नहीं बोला मम्मी, बाबा के सामने नहीं है। हाँ, बाबा के सामने नहीं है। और ये है जलपाईगुड़ी की फेमस मशकलाई बाड़ी की पूजा। आज तो हम लोग अच्छे से नहीं दिखाएंगे, कल अच्छे से दिखाएंगे, कल परसों आप लोगों को। और अभी मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से घूम के जा रहे हैं क्योंकि मम्मी बहुत बोर हो रहे थे घर में, इसीलिए। और ये देखिए हम लोग कहाँ पे आ गए हैं घूमते हुए। हम लोग तो निकल के बाहर गए थे कि हम लोगों को थोड़ा सा पूजा मंडप देखना था गाड़ी में ही,
और हम लोग आ गए हैं दी के ससुराल में और ये लोग बहुत ही सरप्राइज हो गए हैं। ये लोग सरप्राइज हो गए हैं। चलो तो हम लोग यहाँ पे सब मिलके, मतलब मैं, पापा और ये मिलके देख रहे हैं टीवी। टीवी में मैच चल रहा है इंडिया का, तो हम लोग वही देख रहे हैं। तो दी नहीं है, दी के बिना अच्छा नहीं लगता है कहीं पे भी, मतलब दी के ससुराल में। फिर भी हम लोग ने सोचा कि जब भी दी आता है तभी हम लोग आते हैं, तो इसीलिए इस बार आए हैं। दी आएंगे तभी हम लोग आएंगे, तब भी हम लोग आएंगे। तो मम्मी वहाँ पे बात कर रही है मौसी के साथ। और ये अच्छा, अच्छे से काटलेट लेके बैठ गई। कैसा है? क्रिस्पी, टेस्टी। और ये जो सॉस है, ये दी के ससुर जी ने बनाया है, वो वहाँ पे बैठे हुए है अपने हाथों से खरीदा हुआ सॉस नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। आशी टाटा। तो हम लोग घर वापस आ गए हैं और घर वापस आके ही मैं जो दिया हम लोगों ने जलाया था वो मैंने समेट लिया है और इसको रख देंगे क्योंकि कल फिर से हम लोगों को जलाना है दिया। तो आज के लिए ये खत्म हो गया है सब कुछ, सिर्फ हम लोग डिनर करेंगे और कुछ नहीं। तो कल है दिवाली, तो मैं बहुत 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 खुश हूँ। ये शायद दिवाली के बाद जाएगा क्योंकि अभी ना बहुत सारा काम है, क्योंकि मेरे मामा भी घर में है और घर का भी बहुत सारा काम हो रहा है, तो इसीलिए। और दिवाली के दिन आप सभी लोग बिजी रहोगे, तो दिवाली के दिन मैं कोई वीडियो शूट नहीं करूँगी। आफ्टर दिवाली मेरा सभी वीडियो जो है धीरे धीरे जाता रहेगा और मैं भी थोड़ा एंजॉय कर पाऊंगी अपने फैमिली के साथ। तो दिवाली के दिन, आज के दिन मेरा बंगाली चैनल में ब्लॉग गया, हिंदी चैनल में कोई ब्लॉग नहीं गया, तो कल मैं कोई भी चैनल में ब्लॉग नहीं डालूंगी। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, बहुत छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं मिलती हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।